पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, उसके घर में ना एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट किस्म की मीटिंग हुई है। मीटिंग हुई है जनाब पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई वालों के बीच में, ठीक है। बल्कि वालों को छोड़ो, समझो एक बंदा पीसीबी का था, एक आईसीसी का, एक बीसीसीआई का। आईसीसी वाले ने बीसीसीआई वाले बंदे को ये यहाँ से पकड़ के ना गिरबान से पकड़ के उसको कहा है कि अगर तुमने इनकार किया पाकिस्तान ट्रैवल करने से, और अगर तुमने इनकार किया कि तुम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलोगे, उठा कर लात मार कर तुम्हें बाहर फेंक देंगे चैंपियंस ट्रॉफी से, और तुम्हारी जगह के ऊपर श्रीलंका की क्रिकेट टीम को इन कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी हाइब्रिड मॉडल की, फलाने की, टिमकाने की। हाँ, ये वो एक पाकिस्तानी है जर्नलिस्ट, कहता तो अपने आप को जर्नलिस्ट ही है, उसके घर में ये बैठक हुई है। उसको इस वजह से पता है कि उसको रखा हुआ था कि तुम ठंडा गरम लोगों को लाकर देते रहना इन तीन के बीच में, और अगर बात ज़्यादा मार धाड़ तक पहुँच गई ना, मतलब हाथापाई शुरू हो गई या समथिंग लाइक दैट, तो तुम दादा की ना वो जो डबल बैरल की बंदूक है ना, जिससे तुम अपना पिछवाड़ा खुरचते रहते हो, वो लाकर इनको दे देना, ताकि इनमें से कम अज़ कम दो तो नबेड़ दिए जाए ना, एक जो बच जाएगा वही फिर क्रिकेट की दुनिया के सारे डिसीजन लिया करें। भाई ग्रोसरी वालों, अपने अंदर तो अकल है कोई नहीं। पानी को, मैं बता रहा हूँ, पानी को आग लग जाए, पानी को आग लग सकती है। इन जैसे जर्नलिस्ट के दिमाग में जो चीज़ फिट है ना, वो भूसा भी नहीं है, वो मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है, उसको तो भैया आग भी नहीं लग सकती। उसके ऊपर तो तुम न्यूक्लियर बम भी मार दो तो कुछ ना हो। और ये मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है सब कुछ, मतलब दुनिया के मीडिया को बंदा छितर मारे कि कम अज़ कम कुछ तो सोच के एक रिपोर्टिंग स्टार्ट किया करो ना। मुझे एक बात बताएं, इसका ना जरा पोस्टमार्टम करते हैं इस खबर का। आईसीसी किस बेस के ऊपर पिनलाइज करेगा बीसीसीआई को? बीसीसीआई अपने उन पे तो डिसीजन ले नहीं रहा, बीसीसीआई डिसीजन ले रहा है अपनी गवर्नमेंट के उनके ऊपर। एक चीज, आईसीसी का रूल साफ कहता है कि गवर्नमेंट अगर किसी बोर्ड को कहीं पर खेलने की इजाजत नहीं देती, तो वो बोर्ड पाबंद है अपनी गवर्नमेंट का डिसीजन मानने का, ना कि आईसीसी के स्केड्यूल को फॉलो करने का। ठीक हो गया। अच्छा, अब बीसीसीआई को अगर गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, बीसीसीआई वाले अपनी मर्जी से आ जाएं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, एक मुझे ये बात नहीं समझ में आई। अच्छा, उसमें फिर ये कह रहे हैं कि श्रीलंका वाले, उनको अंदर डाल दिया जाएगा। आईसीसी क्यों निकालेगा बीसीसीआई को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर? बीसीसीआई खुद पुल आउट कर लेता है, वो एक अलग ऑप्शन है, आईसीसी क्यों निकालेगा? एक चीज ये। अच्छा, आईसीसी सबसे बड़े स्टेक होल्डर को निकालने की, जिसे कहते हैं वो ले सकता है रिस्क, स्टेक होल्डर इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, इन टर्म्स ऑफ मनी, सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना चंक फाइनेंस का, वो तो आएगा ही इंडिया की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी में। ये बात किसी को हजम होती है, हो जाए नहीं होती ना हो, फैक्ट तो फैक्ट है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल चंक वो चंक ही उनकी तरफ से आएगा, उसको आप बाहर कर देंगे कैसे? सवाल ही पैदा होता है कैसे। आईसीसी मेरे नज़दीक फिर उसके बाद शायद मनाने की कोई कोशिश करेगा कि भाई कोई हाइब्रिड मॉडल कर लो, या दुबई में मैचेस करा लो जैसे बातचीत हो रही है, या श्रीलंका में मैचेस करा लो। श्रीलंका तो दोनों ऑप्शंस के लिए कहते हैं तैयार बैठा हुआ है, हाइब्रिड मॉडल के तौर पर हमारी तरफ मैचेस कराने हैं, सो बिस्मिल्ला, एक नहीं बहुत ग्राउंड है, सारे ले लो। अच्छा, खाली करा देंगे, घास शास भी कटवा देंगे, सब सेट करवा देंगे। अच्छा, वो भी उनको खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी लंदन प्रीमियर लीग करवा रहे हैं ना, तो वो कितना ही कुछ हो जाएगा ख़राब इतने थोड़े टाइम फ्रेम में। दूसरा, वो कहते हैं कि अगर इंडिया को सरका के हमें इन करना है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इंडिया को बैर नहीं किया जा सकता भाई इतने मेजर किस्म के इवेंट से। ये ग्रोसरी वाले जो मर्जी बोलते रहे, पीछे जय शाह की स्टेटमेंट मौजूद है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट करेंगे। बीसीसीआई का सेक्रेटरी अगर कह रहा है कि हम टारगेट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को, तो वो टारगेट कैसे करेंगे भैया? पूरी टीम को बुलाएगा बीसीसीआई के दफ्तर में, और टीवी के ऊपर ये सारे बीसीसीआई और टीम इंडिया के खिलाड़ी और बीसीसीआई के सारे कर्ता धरता, ये एक बड़े सी लंबी सी टेबल के ऊपर कुर्सियाँ डालकर बैठ कर, टांगे ऊपर रख कर, मेज़ के हैं, डोमिनोज का पिज़्ज़ा पकड़ कर, हाथ में कोक, फेंटा, पेप्सी पकड़ कर, मैचेस देखते हुए इंजॉय करेंगे, और इसको टारगेट करना कहेंगे? ओ भाई, खेल के टारगेट करेंगे ना वो, तो उनके जहन में कुछ है
लेकिन अभी चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट्स वे टू अर्ली, ये अभी इतनी नहीं होगी। अभी ये जो पीछे खबरें आई थी कि BCCI सोच रहा है कि मतलब BCCI के अंदर ये बात है कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान और कोई वो जिसे क्या इसको कहते हैं न्यूट्रल वेन्यूज़ के ऊपर खेलने का कोई सीन पार्ट बनाने के वो चक्करों में है, वो भी BCCI का कोई वो जिसे कहते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, अंदर के सूत्रों के अनुसार टाइप की खबर है। सूत्रों के अनुसार तो ज़रूरी तो नहीं है हर दफ़ा सही हो, ज़रूरी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इंडियन BCCI अगर पुल बैक करता है चैंपियंस ट्रॉफी से, पुल बैक करने की अभी वो मुझे तो पोजीशन में नहीं लगते, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स वगैरह उधर से आई हैं उससे तो ये लगता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं, लेकिन खेलेंगे कैसे वो एक अलहदा बात है। हाइब्रिड मॉडल वो इम्प्लीमेंट करवाने के चक्करों में है, वो देखना पड़ेगा, या वो पाकिस्तान आ जाते हैं वो देखना पड़ेगा। वट इफ़ के ये सारा कुछ ना हो, वो आ जाए सीधा सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान, फिर ये जितना कुछ जो चल रहा है कचरा, ये कचरा कुंडी है, इसको तो आग लगानी चाहिए वैसे, ये किधर जाएगा, आग लगाओ ना फिर, सीधी सी बात है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि यार ये क्या अजीबो गरीब किस्म की इस टाइम पे ना चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर BCCI को लेकर मुझे लगता है कि जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें सच कम है, अफवाहें ज़्यादा हैं। BCCI की जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी ना किसी भी चीज़ के ऊपर कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरीके से टारगेट करना है, तब की तब होगी। अभी सूत्रों के अनुसार खबर है, ये खबर है, वो खबर है, उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो साफ सी बात है। हो सकता है वो वाकई हाइब्रिड मॉडल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के लिए उनको पाकिस्तान को बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान तो साफ कह रहा है कि हम किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे, हमने सारे मैचेस पाकिस्तान के अंदर कराने हैं। उन्होंने तो इंडिया का वो जिसे कहते हैं एक इनिशियल स्केड्यूल भी जारी कर दिया। तो यार देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। वो सिक्योरिटी का उन्होंने जिसे कहते हैं कंसर्न, वो कहते हैं कोई नहीं हम कर लेंगे, आप आए तो सही एक दफ़ा। यहाँ पे फैंस वो अलग पंप हुए हुए हैं कि यार इंडियन टीम आएगी उसको सपोर्ट करना है, दिस है दैट है फलाना ढिमकाना, यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। BCCI वाले ये सारी चीज़ें भी देख रहे होंगे, फिर वो उन्होंने ICC से कैसे बात करनी है, ICC BCCI के साथ कैसे बात करता है, PCB को कैसे मनाता है। देर आर सो मैनी थिंग्स यार, एक दिन में थोड़ी नबेड़ दिए जाएंगे। वो जर्नलिस्ट नहीं है जिसकी खबर को उठा कर ना लोगों ने ट्वीट पकड़ के आगे पीछे कर दिया है, वो ग्रोसरी वाला एक नंबर का यार, उसकी वीडियो देखो ना, वो ऐसे चीख चीख के बोल रहा होता है जैसे पता नहीं जो जिस मेज़ के ऊपर पैर रख के, ये सॉरी पैर कह रहा हूँ, ये हाथ रख के बैठा हुआ है, उसी मेज़ के पाए के नीचे उसका पैर आ गया है, या पता नहीं बेल्ट जोर से बंद कर लिए, सांस ही दब गया, ऊपर का धड़ जो है वो ऊपर ही फील हो रहा है, नीचे वाला फील नहीं हो रहा उसका, कोई अजीब ही जिसे कहते हैं वो हवास बाख्ता आदमी है यार, उसकी बंदा किस बात पर क्या यकीन करे, वो चवले मारता रहता है। अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी सब सुकून प्रोग्राम है। वो जब BCCI की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी ना, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सो चिल करो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।